कौन से पति पत्नी हुआ करते हैं जिनको एक जन्म तो क्या सातों जन्मों में संतान का मुख देखने तक का नसीब नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ऐसे कौन से पति पत्नी होते हैं जिनको एक जन्म तो छोड़ो, सात जन्म तक संतान का मुख नहीं देख सकते, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों ये किस्सा है, ये कहानी है एक खूनी चुनरिया की। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार एक हत्यारे भाई ने और अपनी निर्दोष बहन को और अपने निर्दोष भानेज को, यानी जो बहन का बेटा था, उन दोनों निर्दोष माँ बाप को किस प्रकार से एक हत्यारे भाई ने मार दिया और उनके खून से, उनके लहू से एक चुनरिया को रंगने के बाद अपनी पत्नी को दिखाने के लिए लाया। बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस कहानी में आप लोगों को ज्ञानवर्धक बातें सीखने के लिए मिलेगी, वो तो अलग हैं। उससे पहले ये एक बड़ी ही दुख भरी कहानी है। अगर आप लोगों ने इस कहानी को पूरा सुना तो हो सकता है कि कहानी को सुनते सुनते आप लोगों के आंसू तक निकल जाएं। तो आपसे यही हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को खोल लिया है तो पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान नारायण क्षीर सिंध में बैठे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। पैर दबाते दबाते उनके दिमाग में एक बात आई और भगवान नारायण से पूछा है, स्वामी एक बात बताइएगा, वो कौन से पति पत्नी होते हैं जिनको सात जन्म तक संतान प्राप्त नहीं होती है। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बहुत सुंदर प्रश्न किया है, कलयुग में आप ये कोई जो कोई सुनेगा इस प्रश्न का उत्तर, हमेशा धन धान्य से उसका घर भरा रहेगा। लक्ष्मी आपसे निवेदन है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, बस आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि आपको कहानी को पूरा जरूर सुनना है। लक्ष्मी माँ कहने लगी, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आपकी कहानी पूरा नहीं होगी, जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम बड़े मन लगा करके और आपकी इस कहानी को सुनाएंगे, जरूर सुनाइएगा। तो भगवान नारायण कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों नारायण भगवान कहानी सुनाते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, हे माँ, जो कोई भाई बहन माताएं जो कोई अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सदैव वो लोग सद्मार्ग की ओर चलते रहें, धनमाल से उनके भंडार भरे रहें। भगवान नारायण सावधान करते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा आप ध्यान लगा करके। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक गोपाल नाम का भाई रहा करता था और एक उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था श्यामा। गोपाल नाम का भाई बड़ा था, श्यामा बहन छोटी थी, वो दोनों सौतेले भाई बहन थे। लेकिन जो भाई बड़ा था उसको मालूम था कि ये मेरी बहन है, ये सौतेली बहन है, लेकिन छोटी बहन थी उसको मालूम नहीं था कि ये मेरा सौतेला भाई है। दोस्तों एक दिन की बात है कि जब गोपाल बड़ा था तो उसकी शादी हुई है, जब शादी हुई तो उसकी पत्नी आंगन में आई है, जब पत्नी आंगन में आई है तो बड़े प्यार से रहने लगे हैं। अब घर में तब से दो लोग थे, अब तीन लोग हो गए, भाई बहन और भाई की पत्नी, और तीनों लोग बड़े ही प्यार से रहते हैं। मेरे भैया, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और जब वो श्यामा बहन थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक दिन भाई को चिंता हुई है कि हमारी बहन बड़ी होने के लिए जा रही है, तो मैं अपनी बहन का विवाह करें। तो उसने एक दूसरे नगर में एक सुंदर सा लड़का देख करके अपनी बहन का विवाह किया है। जब गोपाल भाई ने अपनी श्यामा बहन को विदा किया है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, बोले, बहन अब तक तुम हमारे पास में नहीं और अब हमें छोड़कर के जा रही हैं, हम कैसे रहेंगे। बहन भी बहुत रोई है, यानी पति पत्नी ने अपने बहन को और विदा किया है। तो जब बहन की डोली ससुराल में पहुंची है, बड़े सम्मानजनक तरीके से जो उस श्यामा के सास ससुर थे उन लोगों ने वो अपनी बहू को उतारा है। मेरे भैया, धीरे धीरे समय निकला, कितना समय हुआ कि बहन के उधर से एक बेटा का जन्म हुआ। समय निकल गया 2 वर्ष का, लेकिन इधर 2 वर्षों में जो भाई गोपाल नाम का भाई था वो अपनी बहन को बिल्कुल भूलता चला गया। वो अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि उसे अपनी बहन की कोई याद ही नहीं रही कि हमारी कोई बहन है या नहीं है। 2 साल बाद जब उस बहन का छोटा सा बेटा बड़ा हुआ है तो एक दिन बहन को अपने भाई की याद आई है, तो उसने अपनी सासुर से कहा है, मैया, उस श्यामा बहन ने, मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। सास ने कहा है, बेटा अब 1-2 महीने और रुको, 1-2 महीने बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो तुम रक्षाबंधन के त्यौहार पर जाना। मेरे भैया, सास की बात मान करके श्यामा रुक जाती है। अब रक्षाबंधन से 10 दिन पहले श्यामा ने फिर कहा अपनी सास से, मैया अब आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने भाई से मिलकर के आऊँ, मुझे भाई की बहुत याद आ रही है। तो श्यामा के सास कहने लगी है, बेटा मेरे पास में इतना धन नहीं है, हम इतने गरीब हैं कि हम तुम्हें धन कहाँ से दें, पैसे रुपए कहाँ से दें जो कि तुम राखी खरीद करके अपने भाई के पास में जा सको। तो वो श्यामा कहने लगी, मैया मेरे पास में
एक मेरी माँ की चूड़ी है, जो मेरी माँ की चूड़ी घर पर थी, मेरे भाई ने विदाई के समय मुझे दी थी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो उस चूड़ी को बेच करके मैं भाई के लिए राखी खरीद सकती हूँ। सास कहने लगी, या बेटा मैं तो ये विचार कर रही थी कि मेरी बहू के पास में एक चूड़ी है और मैं कुछ धन थोड़ा सा इकट्ठा करके दूसरी एक सोने की चूड़ी और बनवा दूँ, लेकिन तुम क्या कह रही हो कि इसे बेचने के लिए जा रही हो। लेकिन जब श्यामा नहीं मानी है, श्यामा ज़्यादा रोई है, तो सास ने कह दिया, बेटा तुम जाओ। तो आज वो श्यामा उस सोने की चूड़ी को जो उसके भाई ने दी थी उसे लेकर के सुनार के पास में पहुंची है। तो सुनार ने उपयुक्त धन देकर के श्यामा को विदा किया है। अब श्यामा अपनी सास के पास में लौट करके पूछी, बोली, मैया अब मैंने चूड़ी बेच करके थोड़ा सा धन, यानी थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई से मिलने के लिए चली जाऊँ। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिए का ध्यान लगा करके, वो बेचारी बहन अपने हाथ की सोने की चूड़ी बेच करके भाई के लिए राखी खरीदने के बाद और अपने भाई से मिलने के लिए चली, जब अपने मायके में आई तो क्या देखा है कि बहन यानी भाभी और भाई दोनों बैठे हुए एकदम श्यामा को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। इतने खुश हो जाते हैं कि उठ करके बहन को गले से लगा लिया। बोले, बहन इतने दिन में आई। बहन रोने लगी, बोले, भैया तुम मुझे बिल्कुल क्यों भूल गए, तुमने मेरी याद क्यों विसरा दी। श्यामा के साथ में एक छोटा सा बेटा था, तो वो भाई गोपाल कहने लगा है, ये बच्चा कौन है। बोले, भैया ये तुम्हारा ही भानेज है, ये मेरा ही बेटा है। हाँ, अपने भानेज को देख करके गोपाल बहुत खुश होता है, गोद में उठा लेता है। धन्य धन्य धन्यवाद मेरे प्रभु, तुमने मेरी बहन को इतनी जल्दी एक प्यारा सा कितना सुंदर बच्चा दिया है। लेकिन दोस्तों, जो भाभी थी यानी गोपाल की पत्नी थी, वो उस बेटा को देख करके कुछ जलन सी महसूस करने लगी। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, अब वो क्यों जलने लगी है, उसको विचार कर रही है कि हमारा विवाह इस हमारी ननद से पहले हुआ था, लेकिन हमारे घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ है। हम इतनी हजारों कोशिश कर रहे हैं, हमने वैद्यों से दवा तक ली है, अब हम तांत्रिक लोगों के पास भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हो रहा है और इसका थोड़े ही दिन में इतना सुंदर बेटा है। मेरे भैया, अब तो बहन उस घर में रह रही है। भाई गोपाल दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी पत्नी को लेकर के एक तांत्रिक के पास में जाता है और वहाँ जाकर के प्रार्थना करता है तांत्रिक के पास में। बोले, महाराज हमारे घर में इतने दिन शादी को हो गए लेकिन हमारे घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ। वो तांत्रिक कहता है, तुम्हारे घर में बेटा का तो जन्म तो हो जाएगा, लेकिन आप अगर किसी का बच्चा लेकर के हमारे पास में आओगे तो तुम्हारे घर में बेटा का जन्म हो जाएगा। बोले, वो कैसे। बोले, जब तुम किसी का बच्चा लेकर के आओगे तो उसका हम थोड़ा सा खून अपने इस हवन कुंड में चढ़ाएंगे जिससे तुम्हारे घर में बच्चा होगा। दोस्तों, ये होता है बिल्कुल अंधविश्वास, ध्यान देना सब लोग, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत कुछ आज सीखने के लिए आप लोगों को इस कहानी से मिलेगा। तो दोस्तों, गोपाल और उसकी पत्नी लौट करके घर आते हैं। रात्रि के समय अपनी बहन से बातें करता है गोपाल, और बातें करने के बाद सोने लगते हैं। एक चारपाई पर बहन और बहन का बेटा सो रहा है, एक चारपाई पर पत्नी सो रही है, एक चारपाई पर वो गोपाल सो रहा है। तो आज रात्रि के समय पत्नी दोनों ने सलाह बनाई है। बोले, एक काम करें। बोले, क्या। बोले, तांत्रिक ने ये कहा है कि अगर तुम किसी का बच्चा लेकर के हमारे पास में आओगे तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस यानी ननद का बेटा लेकर के और तांत्रिक के पास में चलते हैं। भाई कहने लगा, बोले, तुम पागल हो, हैं, हम किसी की औलाद से हैं, किसी की औलाद को दुख देने के बाद खुद औलाद वाले कभी नहीं हो सकते। लेकिन पत्नी ने हट की है, बोले, तुम पागल हो, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी बहन को मालूम भी नहीं पड़ेगा और इसका बच्चा हम लेकर के चलते हैं और हमें पुत्र रत्न की कुछ दिन में प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे भैया, वो पत्नी के प्यार में इतना पागल था गोपाल, इतना अंधा हो चुका था कि वो ऊंच नीच धर्म अधर्म नहीं समझा बिल्कुल। अब क्या था, पत्नी रात्रि में ही बहन के पास से जो बेटा सो रहा था बहन का, उसे लेकर के रात्रि में तांत्रिक के पास में पहुंच जाते हैं। मेरे भैया, जब तांत्रिक के पास में पहुंचाते हैं तो उससे कहा है कि आपने जो कहा था कि किसी का बच्चा लेकर के आना है, हम लेकर के आए हैं, बताइए क्या करना है। बोले, कुछ नहीं करना है, इसका हम थोड़ी सी बलि चढ़ाएंगे। मेरे भैया, उस हत्यारे तांत्रिक ने उस बेटा का थोड़ा सा यानी जो कुछ भी करना चाहा, लेकिन विधि के विधान के अनुसार वो बेटा उस जगह पर मर जाता है। मेरे भैया, अब जब बेटा मर गया, वो दोनों पत्नी वहाँ से भाग करके घर आ गए। और जब घर आए रात्रि में, अब पूरी सुबह होने वाला है, उधर बहन जागी तो बहन ने क्या देखा कि पास में बेटा नहीं है, पास में बेटा नहीं है। अब हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, क्या करें। रोने लगी है, चारों तरफ ढूंढने लगी है, लेकिन उस हत्यारे भाई और भाभी ने नहीं बताया कि वो बेटा कहाँ है। अपनी बहन को ही समझाया है, बोले, बहन यहीं कहीं होगा और सुबह होने दो, सुबह हम कहीं पर ढूंढेंगे और हो सकता है अपने आप आ जाए।
अब जिसके घर में एक बेटा हो वो भी रात्रि के समय गायब हो जाए, उस पत्नी को उस माँ को क्या होगा मेरे भैया, क्या उसके दिल पर बीते थे कि नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनाओ। अब वो श्यामा बहन थी पागलों की तरह रोती है, पूरे गाँव में ढूंढती है, पूरे नगर में ढूंढ रही है, विचार कर रही है मैं अपनी ससुराल अपनी सास को अपने पति को कैसे मुख दिखाऊंगी। वो लोग यही कहेंगे कि तुम अपने मायके में अपने भाई के यहाँ पर बच्चा लेकर के गई, वहाँ पर मार करके आई हो, कैसे मेरे तो देश निकारे हो जाएंगे, कैसे जाऊंगी मैं। मेरे भैया अब रोते रोते पूरा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते संध्या का समय हुआ, और संध्या का समय हुआ तो अब विचार करने लगी, अब बहन अब मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने के लिए। भाई और भाभी मगरमच्छ के आंसुओं से रोते हैं, रो करके अपनी बहन को यानी समझाता है, बोले बहन रो ना, और जो कुछ भी हुआ है वो सब विधाता को मंजूर है, उससे पहले जब तक वो हमारे सर पर हाथ नहीं रखेगा विधाता तब तक कुछ नहीं होगा। बहन को समझा बुझा करके खाना खिलाने की कोशिश की है, लेकिन उस बहन को कहाँ धीर आने वाली थी, वो बेचारी कहाँ खाना खा रही है। मेरे भैया अब शाम को बहन को चारपाई पर लिटा दिया है, दूसरे कमरे में जाकर के पति पत्नी बैठे हैं, अब सलाह बना रहे हैं कि ये बहन ऐसे ही रोती रहेगी तो किसी दिन पोल खुल जाएगी, किसी दिन मालूम पड़ जाएगा, अब करें तो करें क्या। पत्नी कहने लगी कि जहाँ पर और इस बेटा को आप लोगों ने हम दोनों ने और इस बेटा के साथ में क्या है, हो सकता है इसके साथ भी ऐसा ही कर दो, क्योंकि न ये जिंदा रहेगी न बेटा की खोज करेगी। मेरे भैया उस हत्यारे भाई बहन ने उस हत्यारे पति पत्नी ने सलाह बना करके श्यामा को जगाया है रात्रि के समय, और श्यामा से कहा है बहन हमें मालूम पड़ा है कि तुम्हारा बेटा और जो अपने नगर से दूर जो अपने खेत हैं वहां पर रो रहा है, अगर तुम यहीं पर रुको हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं। बहन कहने लगी भैया, बहन नहीं समझ पाई कि हत्यारे हैं और ये मेरे साथ में चाल चलने वाले हैं, नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। वो बहन कहने लगी भैया आप अकेले मत जाओ, हम भी साथ में चलते हैं, लेकिन वहाँ मेरा बेटा रात्रि में पहुँच कैसे गया। लेकिन जब भाभी और भाई के साथ में वो श्यामा बहन चली है, जैसे ही गांव से दूर जंगल में निकल करके आए उसी समय पीछे से उस हत्यारे भाई ने और बहन की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया है। बहन लड़खड़ा करके ज़मीन पर गिर पड़ी, बोले भाई ये क्या किया तूने। बोले ये मैंने ये किया कि बहन मुझे माफ़ करना, मैं पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि मैं ये इस बात समझता हूँ कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं किसी और से बहन कर सकता हूँ कह सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं पत्नी किससे कहूँगा, पत्नी किसी से कहने लायक नहीं हूँ, इसलिए माफ़ करना। तो बहन हाथ जोड़ करके रोने लगी है, आंसू चलने लगे हैं, रोते हुए बोली है भैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रही हूँ, मुझे पहला दुख तो इस बात का है कि मेरा बेटा अब मुझे मालूम पड़ गया कि तुम ही ने मारा है, और दूसरा दुख मुझे इस बात का आया कि भैया जब मैं घर से आई थी मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने भाई के लिए राखी खरीद लेती, तो जो तुमने विदाई के समय मुझे एक सोने की चूड़ी दी थी भैया मैं उसे बेच करके तुम्हारे लिए राखी लेकर के आई हूँ, जो घर पर मेरा सामान रखा हुआ है उस सामान में भैया राखी रखी हुई है। भैया मैं तो मर जाऊँगी लेकिन एक काम कर देना, आप मरते मरते मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि जो राखी रखी हुई है उस राखी को और उस मेरी राखी को आप भाई अपने हाथ में ज़रूर बांध लेना। इतना कह करके भाई ने अपने प्राण बहन ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे भैया जब बहन ने प्राण त्याग दिए हैं जंगल में बहन को पड़ा छोड़ करके, जब वो हत्यारा भाई गोपाल नगर में अपनी पत्नी को लेकर के आया है तो क्या देखा है कि रास्ते में एक संत मिले हैं, और वो संत नहीं बल्कि ये मानो कि भगवान ही स्वयं संत का रूप धारण करने के बाद आए थे। पत्नी से कहा, बोले कहाँ से आए हो तुम। बोले बात छुपाने की कोशिश की है, बोले हम अपने खेतों से आए। बोले हमें सब मालूम है तुम कहाँ से आए हो, अरे तुम इतने बड़े नीच हो चुके हो, तुम इतने बड़े हत्यारे हो चुके हो कि तुमने एक पुत्र पाने के चक्कर में दो दो निर्दोष व्यक्तियों के खून किए हैं। अरे तुम तो ये सोचते हो कि तुम किसी का बेटा मार करके और तुम खुद पुत्र वाले हो जाओगे। सुनो तुम्हारे तो जन्म एक जन्म तो छोड़ो 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र पैदा नहीं होंगे, 7 जन्म तक तुम संतान का मुख देखने के लिए इसी प्रकार तरसते रहोगे, तुम इतने बड़े हत्यारे हो। नारायण भगवान माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी अब ध्यान दे करके सुनिएगा, ये अब ध्यान दे करके सुनिएगा कि वो कौन से पत्नी होते हैं जिनको एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक पुत्र प्राप्त नहीं होता है, 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले तो वो होते हैं जो दूसरों के बच्चे से जलन पैदा करते हैं, दूसरों के बच्चे से घृणा करते हैं, उनको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और एक वो पत्नी होते हैं जो अपने घर में पुत्र प्राप्ति के चक्कर में दूसरे की संतान को दुख देते हैं या मरवा देते हैं या उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों ये कहानी एक काल्पनिक है, हमें किसी का दिल दुखाने या किसी की बेइज्जती करने के लिए हमने इस कहानी को रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि आप लोगों को समझाने के लिए इस कहानी को रिकॉर्ड किया है। ये काल्पनिक कहानी है और इसमें जितने भी नाम हैं सब काल्पनिक नाम हैं। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। और आज कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है कि ये हमारे भाई हैं हरवीर यादव देहाती, जो कि
टुंडला के रहने वाले हैं, और तीसरे ये हैं महमूद गजनवी जो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, और एक ये हैं सुमन लता सिंह, इनके इन्होंने भी नाम लेने की अपील की थी, और ये कि दिव्या सिंह। सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग खुशी रहें, आनंदित रहें, कल फिर पेश होते हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर के। धन्यवाद।